अब वडोदरा शहर में तैयार होंगे नन्हे वैज्ञानिक, क्योंकि वडोदरा कम्युनिटी साइंस सेंटर में अब शुरू हो गया है CSC स्पेस क्लब। देश भर में 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया गया। इस उपलक्ष्य में वडोदरा के सुभानपुरा में स्थित कम्युनिटी साइंस सेंटर में एक विशेष शुरुआत की गई, जिसमें कम्युनिटी साइंस सेंटर में स्पेस क्लब शुरू किया गया। वडोदरा की स्कूलों के बच्चे अवकाश विज्ञान को समझ सके और अवकाश विज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके, इस आशय के साथ ये आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूल के छात्रों ने उपस्थित रहकर पद्मश्री मुनि मेहता से स्पेस क्लब की जानकारी ली। रॉकेट फ्यूल की रॉकेट खर्चा અને એ રોકેટ પછી નકામી ઉપર લોન્ચિંગમાં વાપરે છે ઘણા વખતથી અને મને ખ્યાલ છે બેંગ્લોરની અંદર આ જયારે ડિસ્કશન થયું ત્યારે એક બે વખત મારે પણ આજે રહેવાનું થયું હતું કે આ રોકેટને રિયુઝ ન કરી શકે એક જ વખતમાં બધું બાળી કેમ નાખવાનું આટલા કરોડો રૂપિયા આપણા વૈજ્ઞાનિકોએ ઘણા વખત તે કામ કર્યું અને બે અઠવાડિયે इस मौके पर कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र गवली ने भी सभी स्कूलों के छात्रों को स्पेस क्लब का लाभ लेने का आह्वान किया। लास्ट ईयर हमको जैसे पता है कि 23 अगस्त को हमारे चंद्रयान 3 मिशन का सक्सेसफुल लैंडिंग और उसके बाद जो विक्रम मून लैंडर है उसका भी सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के बाद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने 23 अगस्त को डिक्लेयर किया राष्ट्रीय स्पेस दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो उसके चलते हमने इस साल से हर एक कम्युनिटी साइंस सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन तो कर ही रहा है, तो हमने यही मतलब मौका समझा कि ये अच्छा मौका है, अभी माहौल बना है, बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत है, स्कूलों में आए दिन ये बात होती रहती है कि स्पेस साइंस के बारे में हम लोग कैसे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएं, तो हमने ये क्लब इसी के चलते शुरू किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो भी बच्चे हैं ये आगे भविष्य में विज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान में कुछ अपना भी योगदान देंगे और हमारा देश का नाम विज्ञान क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाएंगे।